यू गाइस कैन सी माई स्किन इज सुपर डुपर रफ राइट नाउ। तो अब मैं आप लोगों के साथ, इधर एक एक्नी भी है आसमा डोर की, जब हम वीडियोस देखते हैं पीछे का अपने साथ इग्नोर करना है, वो यूं चमका के रख देता है सब कुछ एकदम से। तो वाई नॉट मुझे ये ट्राई करना चाहिए, ट्राई करके आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जल्दी से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जी तो अब स्टार्ट करते हैं इनकी मिक्सिंग। मिक्सिंग के लिए हम बाउल यूज़ कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे इनका वाइटनिंग स्किन पॉलिश का जो पाउडर है वो यूज़ कर रहे हैं। पाउडर मतलब आई वुड से कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि ये इसमें फुटकड़ियाँ बन जाती हैं बहुत ज़्यादा। जब ये बनाएंगे ना इस तरह से देखना, इसमें फुटकड़ियाँ बनेंगी। पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन नहीं था, वरना मून टच का जो मैंने गोल्ड पाउडर यूज़ किया हुआ है, इतना कर ज़बरदस्त वो फाइन पाउडर है ना, आपकी सोच होगी। तो आसमा डोल के पैकेजिंग प्रोडक्ट्स की आई वुड से कि बहुत ही इन्होंने थर्ड क्लास की, यानी चाहिए था कि पैकेजिंग थोड़ी अच्छी कर लेते फिर ही कुछ समझ आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो बाकी ठीक है, प्रोडक्ट अंदर से देख लेते कैसा ही है। देखिए यहाँ पे है इनका स्किन शाइनर, और ये स्किन को मतलब समझ लो रिलैक्स करने के लिए, स्किन में शाइन ऐड करने के लिए ऐड किया जाता है। तो थोड़ा सा ये भी ऐड किया था। पैकेजिंग अगेन बहुत ज़्यादा मतलब सस्ती और लोकल से इसकी पैकेजिंग थी। प्राइस काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रखी हुई है ऑफिशियल के, आई थिंक स्किन पॉलिश के साथ ये 5200 का मिलता है। तो क्वांटिटी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, ये मैं कहना चाहूँगा कि इनके प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है। अब ये देखो इनका ये जो बोतल है ना, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्टिकर कितना ही सस्ते किस्म का, 2 रुपये का इनको स्टिकर पड़ा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, ये इससे महंगा स्टिकर है ही नहीं। तो नॉट रिकमेंडेड, पैकेजिंग नॉट अप्रूव्ड बिल्कुल भी। पैकेजिंग को क्या करना है, हमें तो चलना है अंदर में अंदर से, लेकिन प्रोडक्ट बाहर से नहीं अच्छा लगेगा तो अंदर से सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। ये सब कुछ ऐड करने के बाद इनको हम कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा हसबे ज़रूरत हमने ऐड कर लिया। ये मेरा दोस्त है इरफान, ये इसकी पार्लर की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, घर में आके आपको कर देता है, ये कोई भी कसूर एरिया में हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना। ओके जल्दी से अप्लाई कर लो, मैं बाल पीछे कर लिए। नहीं नहीं चलो तुम अप्लाई करो, इसको भी मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें फुटकड़ी बन जाती है, ये दिखाओ। पानी है लेकिन मैंने रोज वाटर ऐड किया ना, वैसे ये सारी जम जाती है। इट्स रियली हार्ड टू ब्लेंड दिस, ये आसमा डोल की जो स्किन पॉलिश है उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल है, इसमें फुटकड़ियाँ बन जाती है अकॉर्डिंग टू हिम, मैंने नहीं देखा। ठीक है हो गया मिक्सिंग ना, अभी कर दिए पाउडर कहीं पे ज़्यादा वाला इशू होता है, हाँ कहीं पे ज़्यादा पाउडर, हाँ ये ब्लेंड नहीं होता। ये देखो ये इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे करके, ये देखो कि ये सही नहीं है, बट यू नीड परफ्यूम। हाँ यू रियली थिंक आई नीड दिस? क्या जी? तो आप कर लेते हैं फेस पे ये अप्लाई। जब फेस पे मैंने अप्लाई किया तो ही वॉज आस्किंग मी क्या तुम्हें जलन हो रही है, तो आई वॉज सेइंग कि नहीं नो बर्निंग फेस पे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो फोर हेड पे काफ़ी ज़्यादा ये जेंटल रही है मेरे साथ, तो स्किन पे मतलब बालों को गोल्डन भी कर देती है ये। लेकिन इसका एक मसला ये है कि ये आपके चीक एरिया पे, नोज़ की साइड पे जहाँ पे आपको मतलब इश्यू होता है सेंसिटिव स्किन का, वहाँ पे ये बहुत ही बुरी तरह से जलती है। लेकिन अब फेस पे अप्लाई कर लिया था, आगे चल के देखते हैं इन एरियाज पे, नोज़ के इस एरिया पे ही आप देख भी सकते हो बहुत गंदे किस्म की जलन हो रही है। पैकेजिंग यार इतनी थर्ड क्लास किस्म की थी, देख के मुझे ना मतलब दिल नहीं कर रहा था अप्लाई करने का, बट आई हैड टू फॉर यू गाइस। तो अब इसका मैं फाइनल रिजल्ट देख के मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हम ये बताने लगे हैं, लाइट के बिल्कुल अपोजिट बैठा हूँ मैं, उससे इसको आपने कर देना पूरी तरह से इग्नोर। तो अब इसको बता लेते हैं, चलो भाई। अच्छा ये तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट ही फेस पे लगाई थी, और जब मैंने लगाई हुई थी मेरा फेस इतनी तरह से जल रहा था, इतनी बुरी जलन हो रही थी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसके बाद मेरा फेस कोई तकरीबन 2 दिन तक बहुत बुरी तरह से रेड रहा था, और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा मतलब रफ हो गई, वाइट से डॉट आ गए थे। तो मॉइस्चराइज़र लगा के उसको मैंने ठंडा किया, और आप इंस्टेंट ये रिजल्ट देती है नो डाउट, लेकिन 5 से 10 मिनट के लिए उसके बाद ये फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। ये फेस से जहाँ पर लगी होगी वहाँ पर वाइट कास्ट छोड़ देता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। तो आई वुड से कि नो रिकमेंडेड फॉर एक्नी प्रोन स्किन और सेंसिटिव। Okay।
डेफिनेटली इट हैज़ इंस्टेंट रिजल्ट. हियर यू गाइस कैन सी हियर जिस एरिया पे नहीं लगा वो एरिया. ओके ये लो. इन एरिया से जल रही है बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो. एंड रिजल्ट्स जी. तो इसके बाद मेरी स्किन पे एक्ने भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है. दो दिन के बाद ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ. मेरी स्किन की हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी रफ़ हो गई है स्किन. मैं मॉइस्चराइज़र लगा लगा के स्किन को कर रहा हूँ, मतलब इसने स्किन को जला दिया है. स्किन की बहुत बुरी इसने हालत की है. नॉट रिकमेंडेड फॉर यू गाइस. सेंसिटिव स्किन वाले तो इससे दूर हो. तो मेरी तरफ से अप्रूव नहीं है, ना ही पास है.